प्यारे मित्रों नमस्कार, मैं हूँ गुरमीत एमटीसी की ओर से। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आप खुद को ही वेलकम कर रही हूँ बिकॉज लास्ट फोर्टनाइट से मैं फैमिली वेडिंग में भी बिजी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ नया वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ। मैं उसके लिए वेरी आई एम सॉरी फॉर इट, बट यू सी आई वॉज बिजी। नाउ टुडे हम फिर अपनी श्रृंखला शुरू करेंगे। लास्ट जो मेरा ड्राफ्ट था वो ड्राफ्टिंग था पैंट्स का। अब वो ड्राफ्ट को हमने किस तरह कपड़े फैब्रिक पे किस तरह कटिंग करना है वो मैं आपको आज दिखाती हूँ। अब आपको सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से, यानी ये सेल्वेजेस एक सेल्वेज दूसरे सेल्वेज के ऊपर इस तरह रखते हुए ये हमने कपड़ा डबल फोल्ड कर दिया है। अब ये बात का ध्यान रखें जो फोल्डेड साइड है ये इस तरफ, एक सेकेंड, ये इस तरफ जो है फोल्डेड साइड है, ये फोल्डेड साइड आपकी ओर होनी चाहिए, वेयर एज द ओपन साइड शुड बी अपोजिट टू यू। अब कपड़ा फोल्ड कर लेने के बाद आप ये देखिए कि यदि इस साइड आपका कपड़ा ये एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। सपोज इन केस ये स्ट्रेट नहीं है तो व्हाट यू हैव टू डू इज आप अपना ये ऐसे लीजिए और इसको इस तरह से ऐसे रख लीजिए कर्व को, और ऐसे स्ट्रेट करके देख लीजिए। यदि टेढ़ा है तो एक इसका मैं सबसे बेस्ट टूल क्या है कि ये जो साइड है ये साइड स्ट्रेट पार्ट इस साइड से मिला दीजिए इस तरह से, और फिर देखिए तो यहाँ हमारा कपड़ा एकदम स्ट्रेट हो रहा है। जहाँ भी थोड़ा मोड़ा अगर टेढ़ा है तो आप उसको प्लीज काट लीजिए और कपड़ा एकदम स्ट्रेट रखिए। ओके, अब कपड़े को इस तरह फोल्ड करने के बाद आप क्या कीजिए, अपने कोई भी स्केल लेके एक एक हल्की सी लाइन ड्राइंग कर दीजिए पूरी लेंथ में। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो पैंट की जो कटिंग होगी वो हमें फोल्डेड साइड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ बीचों बीच ऐसे निकलेगी हमारी पैंट, इसी वजह से हम ये इतना मार्जिन छोड़ देते हैं। अब इस पैंट में हम बेल्ट अलग से लगाएंगे। सो व्हाट यू टू, आपकी जो फुल लेंथ है पैंट के उसमें से आप 2 इंचेस बेल्ट का माइनस कर लीजिए। यहाँ मेरी फुल लेंथ है 41 इंचेस, 41 में से 2 इंच माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 39 इंचेस। ओके, तो हम यहाँ पर अपनी जो लेंथ गिनेंगे वो 39 इंचेस गिनेंगे। अब ये साइड आप अपनी लेंथ लेंगे हम अपने, ओके लेंथ हमारी है तो यहाँ पर 39 प्लस 1 इंच तो वो 40, तो हमें 40 पे यहाँ एक निशान लगा देंगे। ठीक है, निशान लगा दिया इस तरह से। ठीक है, अब ये लेंथ लेने के बाद आप यहाँ से 1/2 इंच हम अंदर की ओर आएंगे। ओके, हम दिख रहा है आपको, एक सेकंड। अब यहाँ से यहाँ आप 2.5 इंच अंदर आ जाइए पहले। ओके, तो यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट हमने ले ली हमारी लेंथ इसी लाइन से, और यहाँ पर हम 1/2 इंच अंदर आएंगे। तो ये हमने 1/2 इंच का मार्क यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से हम लेंगे जो भी आपकी कमर है, कमर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2। यहाँ पर मेरी कमर कितनी है, 36 इंचेस। ओके, तो 36 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी 9, 9 प्लस 2 इंचेस That gives me 11. तो आप एक 11 पर मार्क लगा दीजिए। So ये हमारा हो गया कमर का 1/4 प्लस 2 इंचेस। ओके, अब हम नीचे आएंगे यहीं से। अब ये जो है हमारा, हाँ ये ध्यान दीजिए कि हमारा 1/2 इंच का मार्क है। ओके, ये हमारी इमेजिनरी लाइन हुई है, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, सिट डाउन डिवाइडेड बाई 4। सिट डाउन मेरा है यहाँ पर, सिट डाउन मेरा यहाँ पर है, ओके, तो सिट डाउन यहाँ पर मेरा है 40 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी 10। तो सिट डिवाइडेड बाय 4, यही प्राउंड डिवाइडेड बाय 4 10, तो 10 पे एक निशान लगा दीजिए, ये रहा पॉइंट। ओके, अब यहाँ से यहाँ भी आप लोग पहले 1/2 इंच अंदर आ जाइए। ओके, ये 1/2 इंच अंदर आ गए हम, 1/2 इंच अंदर आ गए। सो यहाँ से ये हम नीचे उतरे, हिप सीट डिवाइडेड बाय हुप, आप हिप राउंड बोलिए या सीट बोलिए, डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब यहाँ से यहाँ 1/2 इंच अंदर जाएंगे हम। अब ये पॉइंट से लेके आपको यहाँ की ओर हम अब सारे वर्टिकल जो मार्किंग करेंगे वो अब हमारी होगी थाई राउंड, थाई राउंड डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पर मेरा थाई राउंड है, थाई राउंड कितना है, 24 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स मी 6।
तो यहाँ पर, यहाँ एक सिक्स पे मार्किंग कर दीजिए, ओके। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया, और यहाँ से एक सिक्स पे और एक मार्किंग कर दीजिए आप, ओके। और फिर हम एक सीधी लाइन पहले खींच देते हैं, एक सीधी लाइन बना दीजिए, ठीक है। ये रही लाइन, अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्राइंग करेंगे, ओके। ये जो है वो हमारे ये लाइन के सेंटर लाइन से ही हम आगे पीछे जितने भी जो भी हमारे मेजरमेंट होंगे वो हम इस लाइन से आगे पीछे भागेंगे, आई मीन मेजर करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सी सेंटर लाइन ड्राइंग कर दी है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ ऊपर से, ऊपर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, एक सेकंड। यहाँ हम ऊपर से नी लेंथ भी लेंगे नीचे, तो हमारा नी लेंथ है 20 इंचेस, तो यहाँ से आप एक 20 इंचेस पे मार्क कर दीजिए, ये नी लेंथ पे, ओके। और सिमिलरली यहाँ से भी यहाँ पर हमारी नी लेंथ 20 है, 20 इंच पे निशान लगा दीजिए, दिख रहा है आपको, एक सेकंड। अब यहाँ से अब हम नी राउंड का डिवाइडेड बाय 4, नी राउंड यहाँ पर हमारा कितना है, नी राउंड डिवाइडेड 18 है, सो 18 डिवाइडेड बाय 4.5, ये 4.5 पे आप एक निशान लगा दीजिए। और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक, अब आप इसको चाहो तो पूरा का पूरा ऐसे भी आप ले सकते हैं, हाफ कर दीजिए आप इसको, ठीक है ना, एक ही बात है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सेंटर से ही इधर से इधर आए और इधर से इधर जाए। ये हमारा हो गया नी राउंड। अब हम लेंगे अपना एंकल राउंड, तो ये हमारी लेंथ है यहाँ पर। अब हम लेंगे एंकल की ओर आएंगे, एंकल है यहाँ पर मेरा 16, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स मी 4, तो एक 4 पे यहाँ से यहाँ निशान लगा लीजिए 4 इंचेस पे, ओके। ये अपनी लेंथ यहाँ पर एंड होती है, यहाँ पर 4 इंच यहाँ पर और 4 इंच यहाँ पर, ठीक है। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं सबको आप में से लाइन खींच दीजिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट ऐसे मिला दीजिए सब पॉइंट्स को से। ये सब आपको उल्टी फैब्रिक पे करना है, फैब्रिक रॉन्ग साइड फैब्रिक पे ही सब मार्किंग्स करने हैं आपको। ये पहले एंकल राउंड पे मैंने मार्किंग किया, अब मैं नी राउंड पे आ रही हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये मेरा मैंने कंप्लीट कर दिया थाई राउंड के डिवाइडेड बाय 4, ये नी राउंड, और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा एंकल राउंड, ये नीचे एंकल राउंड। अब यहाँ से यहाँ भी हमने नीचे अलाउंस लेना है, अभी फोल्ड करने के लिए 2 इंच में ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये 2 इंच पर आप एक मार्क कर दीजिए, अब हम आते हैं अपने क्रॉच की ओर। अब हम क्रॉच का एरिया जो है हम करेंगे, तब यहाँ से ये पॉइंट से लेके हम 2 इंच अंदर की ओर आएंगे, एक सेकेंड। तो ये 2 इंच मैंने अंदर लिया, ये 2 इंच अंदर एक मार्क कर दीजिए आप इस तरह से, और अब ये 2 इंच को आप ये हमारा जो पॉइंट है उससे मिला दीजिए इस तरह से, ठीक है, ओके। अब ये 2 इंच भाग मिलाने के बाद अब सारे पॉइंट्स ये सब हम मिला देंगे, ठीक है। अब यहां से, हाँ यहां से यहाँ पहले कर्व देंगे एक हम, हम ये मिलाने के बाद हम यहाँ ऐसे अपना ये कर्व दे देंगे, ओके। तो ये हमारा हो गया जाएगा फ्रंट रेडी, और फिर प्लस में फिर उसके बाद हम सारे पॉइंट्स मिला देंगे, कर्व देंगे, बैक का जो कर्व होगा हमारा हिप कर्व यहाँ पर हम देंगे, ओके। तो देख लीजिए ये पहले हम कर्व किस तरह देंगे, आप हाथ से भी जैसे फ्री हैंड शेप भी दे सकते हैं, आप चाहो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्व रेडी।
अब यहाँ से यहाँ हम मिलाएंगे, अब हम इधर कर्व दे देंगे। सबसे पहले ये कर्व दे दीजिए आप, ऐसे मिला दीजिए ऐसे, ओके। ये स्ट्रेट जाएगा ऐसे करके, यहाँ इधर आ जाएगा, ओके। ये हमारा कर्व हो गया बैक कर्व। अब ये पॉइंट हम आगे मिलाएंगे, अब ऐसे मिला दीजिए इसको, आराम से मिलाइए। अब नीचे की ओर आइए, नीचे ये नीचे हमारा सीधा एंकल में मिल जाएगा, तो यहाँ से इसे हम ऐसे जोड़ देंगे ऐसे रख के, ठीक है। ये हमने ऐसे जोड़ दिया एंकल तक, ठीक है, ये हमारा एंकल राउंड आ गया है। सिमिलरली दूसरी साइड भी हम सारे पॉइंट्स मिला देंगे। सबसे पहले हम ये पॉइंट से इस पॉइंट में मिलाएंगे, दिख रहा है ना आपको, ये मैंने यहां से यहां ये पॉइंट मिलाया, एंड देन अब मैं नीचे एंकल की ओर जाऊंगी। तो ये ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्ट रेडी हो गया है। सो आप देख सकते हैं ये अपना फ्रंट पूरा रेडी हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे, ये बाउंड्री जितने भी हैं उसे काट के यहाँ से फिर ऐसे हो के नीचे और एंगल की ओर जाएंगे, एंड देन जो अलाउंस लिया उसके साथ हम काट लेंगे, ठीक है। और फिर हम इसी को हम अपने बैक के लिए इसी को रखेंगे दूसरे फैब्रिक के ऊपर, और फिर एक्स्ट्रा जो हम ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं जो अपने बैक के लिए हमारा ऊपर एक्स्ट्रा रहता है वो हम इसी पे ले लेंगे, ओके। अब आप देख सकते हैं मैंने ये फ्रंट, अब फिर अगेन आप क्या कीजिए, पहले एक कपड़ा इस तरह फोल्ड कर दीजिए, ये देखिए सैलवेज के ऊपर सैलवेज, उसी को ऊपर की ओर रखें, ओके। अब उसके ऊपर इस तरह हमें ये फ्रंट जो है वो रख देनी है। अब देखिए इस तरह से मैंने पूरी फ्रंट रख चुकी हूँ मैं इसके ऊपर, ये रहा मेरा एंकल का पार्ट, ओके। तो ये हम इसके ऊपर ऐसे पूरे बिछा दीजिए। अब आप देख सकते हैं ये पूरी मैं आपको दिखा रही हूँ धीरे धीरे करके, ये देखिए ये मेरी मैंने बिछा दी है। अब यहाँ पर ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है, यहाँ पर हमारा जो बैक होगा वो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा कपड़ा लूँगी, वो आपको बताऊँगी किस तरह करना है हमें ड्राफ्ट, ओके। बट एक बार आप पहले इसको देख लीजिए, ये रखा है हमने फ्रंट रख दिया है, ओके। अब हम देखेंगे कि ऊपर से जो 2 इंच बढ़ना है वो किस तरह से बढ़ना है। अब जब आप इसको बिछाएंगे फ्रंट को इसके ऊपर, तब यहाँ ये ध्यान रखिए कि इतना थोड़ा अलाउंस हमें छोड़ना है, क्योंकि हमने अपने जब हमने फ्रंट काटा था तब भी हमने इतना ही छोड़ दिया था कपड़ा, तो इसी में ले आप उतना ही छोड़ दीजिए, ओके। अब हम सबसे पहले 2-2 इंच बढ़ेंगे यहाँ क्रॉच के एरिया से, यहाँ से 2 इंच लेंगे, फिर हम यहाँ ये पॉइंट से भी हम 2 इंच आगे बढ़ेंगे और एंकल से भी हम 2 इंच आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2-2 इंच पे यहाँ पर निशान लगा दीजिए आप। ये जो लाइन है यहाँ जो यहाँ से हमारा ये क्रॉच एरिया शुरू है, तो यहाँ से हम ऊपर पहले 1 इंच बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ 1 इंच पे निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं, 1 मिनट, ये रहा, ये मेरा फ्रंट का एंडिंग यहाँ पर हो रहा है और ये मैंने 1 इंच ऊपर लिया। अब ये पॉइंट को मैं स्टार्टिंग का जो पॉइंट है उससे मिला देंगे हम ये वाले पॉइंट से, ओके। अब आप देख सकते हैं मैंने ये लाइन यहाँ से शुरू करके यहाँ पर ये बना दी है। अब हम यहाँ पर इसको बैक का क्रॉच का शेप देंगे। अब आप ये पॉइंट को जो हमारा जो यहाँ जो फ्रंट का जो पॉइंट है ये वाला ये पॉइंट इससे आप मिला दीजिए, ठीक है, इससे हम मिला देंगे। ये जो ऊपर का पॉइंट है उसको हम नीचे इससे मिला दीजिए। अब आप देख सकते हैं मैंने ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ पर ऐसे मिला दिया है, और एक शेप भी दे दीजिए आप इसको, ठीक है, आप ऐसे ऐसे लेके इसको शेप दे दीजिए। तो ये हो गया हमारा बैक, अब इसको हम काट लेंगे। जब आप कटिंग करेंगे जब इस साइड आएंगे आप यहाँ पर आराम से काटिए या कुछ वेट रख दीजिए ताकि अपना कर्व जो हमने दिया है वो ख़राब ना हो,
यहाँ से ऐसे काटते हुए फिर हम अपना नॉर्मल जैसे कटिंग करते हैं वैसे कर लेंगे। और जब यहाँ काटेंगे तो ये जो बैक हो गया हमारा, ये हम इस तरह, ये जो ऊपर की लाइन है वो बैक की लाइन है। तो यहाँ से शुरू करके कटिंग ऐसे जाते हुए देन अगेन हम ऐसे कर्व में आ के फिर वो यहाँ से भी जो हमने 2 इंच लिया है वो आगे बढ़ते जाएंगे और नीचे कटिंग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा लेडीज़ पैंट का ड्राफ्ट रेडी और कटिंग। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा सिलाई का रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये मेरा एक पैटर्न बना के रख दिया है। ये पैटर्न के हिसाब से फिर मैं आगे पीछे बढ़ जाती हूँ। अगर आपका कोई कस्टमर का कपड़ा सिलने के लिए आया है तो उसके हिसाब से फिर आप आगे पीछे बढ़ सकते हैं। ये जस्ट एक आपको दिखा दे कि आप इसे पैटर्न बना के रख लीजिए कपड़े पे, सो कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपको मैंने इस तरह बता दिया किस तरह कटिंग करना है और आप एक रेडी कर लीजिए पैटर्न। और दूसरी बात, ये जो सेंटर लाइन है वो मेरी सेंटर लाइन ये वाली जो यहाँ मैंने कट लगाया, सिमिलरली एक कट आप यहाँ भी लगाएंगे क्योंकि सेंटर लाइन तो दोनों की सेम ही रहने वाली है। ओके, तो वहाँ पर एक आप कट लगा दीजिए, निशान लगा के एक कट बना दीजिए वहाँ पर। अब ये कट में प्लीट्स भी होगी, टक्स भी। तो मैं सिलाई जो करूँगी, अब जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल वो सिलाई का रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊँगी किस तरह से टक्स लेनी है, प्लीट्स लेनी है और जिप साइड में जिप लगाएंगे और बेल्ट तो लगानी है हमने। ओके, तो अब हम बेल्ट का और जिप के जो पट्टियाँ लगेंगी उसका भी एक फैब्रिक काट लेते हैं। तो ये जो बेल्ट का कपड़ा है इसकी टोटल लेंथ है 41 इंचेस एंड द विथ है ये 4 इंचेस है। ओके, ये जिप में लगाने के लिए पट्टियाँ हैं। ओके, ये है लेंथ दोनों की है, इसकी भी 8 है, इसकी भी 8 है, लेकिन इसके जो विथ है वो 2 इंचेस है और इसकी विथ 2.5 इंचेस है। तो ये आपको सब रेडी करके, ये फ्रंट बैक, सो ये मेरी फ्रंट है, ये मेरी बैक है, बेल्ट जिप के लिए दो पट्टियाँ कपड़ा तो है ही। ओके, एंड अ जिप, ये सब चीज़ें आप रेडी रखिए। और हाँ, वन मोर थिंग, इसमें बेल्ट में लगाने के लिए कैनवास की पट्टी मिलती है 2 इंचेस की या 1.5 इंच की, जैसे भी आप। तो इसमें जो पट्टी लगाते हैं वो 1.5 इंच की, 2 इंच की पट्टी में लगाऊंगी कैनवास की। सपोजिंग आपके पास ऐसे आपके मटेरियल शॉप में नहीं मिल रही है वो पट्टी, तो डजेंट मैटर, एक कैनवास ले लेंगे आप और कैनवास में से 2 इंच की पट्टी पूरी इस बेल्ट की लंबाई की आप काट लेंगे। ओके, फिर हम बताएंगे किस तरह आपको करना है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको मैं दिखाऊंगी सिलाई किस तरह करनी है पूरे पैंट की। ओके, तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये कटिंग वीडियो पसंद आया होगा। यदि आता है तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड लाइक तो बनता ही बनता है। सेकेंडली, आप अपनी कम्युनिटीज़ में, आपके फेसबुक ग्रुप पे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपने जो मेरी एब्सेंस में मुझे सपोर्ट किया है, मैं नहीं थी, मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे थे, फिर भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, सो फॉर दैट आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू। सो वंस अगेन, अ बिग थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू यू ऑल। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।